जिंदाबाद, 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 हमारे नेता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पार्किंग की गंदगी दूर करो, दूर करो, दूर करो, स्टेशन स्टाफ पार्किंग की गंदगी दूर करो, दूर करो, दूर करो, स्टेशन स्टाफ पार्किंग की अनाधिकृत व्यक्तियों को दूर करो, दूर करो, स्टेशन स्टाफ पार्किंग को सुअरों के आतंक से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, स्टेशन स्टाफ पार्किंग को सुअरों के आतंक से मुक्त करो, मुक्त आवाज दो, ललकार दो, स्टेशन स्टाफ पार्किंग की दुर्दशा बंद करो, बंद करो। रेल कर्मचारियों जो कि अजमेर स्टेशन या अजमेर स्टेशन से आने जाने में अपनी रनिंग ड्यूटियों का काम करते हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने उनके लिए एक निशुल्क पार्किंग की सुविधा कराने का काम माल गोदाम के पास किया था, और वहां पर रेल कर्मचारी अपने वाहनों को सुरक्षित रख सकें इस उम्मीद के साथ उस जगह का आवंटन हम लोगों ने किया था, और वहाँ पर भारी संख्या में रेल कर्मचारी अपने वाहनों को रखने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई समय से ये देखने में आ रहा है कि रेल प्रशासन उस निशुल्क वाहन पार्किंग की ओर ध्यान नहीं दे रही है, और वहाँ पर उन्होंने एक कचरा डिपो बना दिया है, जिस कचरा डिपो का सारा कचरा उस रेल कर्मचारियों की वाहन पार्किंग में बिखरा रहता है। वहाँ सुअर दिन भर रात भर घूमते रहते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटरों को गिरा देते हैं, पार्किंग की स्थिति इतनी गंदी बदबू में हो रखी है, वातावरण वहाँ बहुत ज़्यादा दूषित है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग में जो भी कार्य में मलबा इकट्ठा होता है उसे भी वहाँ डाल दिया जाता है, उस पार्किंग के आसपास डाल दिया जाता है, जिससे व्यवस्था और अधिक बिगड़ने का काम हुआ है। हमने कई बार स्टेशन मैनेजर को, प्रशासन को ये कहने का काम किया कि वहाँ रेल कर्मचारियों के लिए पार्किंग में शहर के आम लोग भी वहाँ अपने वाहन खड़े कर देते हैं, उसकी रोकथाम की जानी चाहिए, रेल कर्मचारियों को टोकन दिए जाने चाहिए ताकि केवल रेल कर्मचारी ही वहाँ अपने वाहन को पार्क कर सके, किंतु प्रशासन इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा। हमने मंडल रेल प्रबंधक को डीओ लेटर लिखा, हमने मंडल रेल प्रबंधक को कई बार अवगत कराने का काम किया, हमने स्टेशन मैनेजर को अवगत कराने का काम किया, हमने सीनियर डीएमई ईएनएचएम को अवगत कराने का काम किया सफाई व्यवस्था को लेकर, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारे पत्रों पर, हमारे चर्चाओं पर ध्यान नहीं दे रहा, तो इसलिए आज मजबूर होकर तमाम विभाग के रेल कर्मचारियों को साथ में लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आज ये प्रदर्शन करके रेल प्रशासन का, विशेष रूप से मंडल रेल प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया है, और हमारा ये कहना है कि वहाँ से कचरा का जो डिपो है वो वहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हमारा ये कहना है कि इस वाहन पार्किंग के अंदर किसी भी प्रकार के भारी व्यक्तियों की पार्किंग ना हो, इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ जो मलबे का ढेर है उसको हटाने का काम होना चाहिए, और इस पार्किंग को बहुत व्यवस्थित पार्किंग के रूप में डेवलप किया जाए, इस मांग को लेकर आज हमने ये स्टेशन पर विशाल प्रदर्शन करने का काम किया। आप कह रहे हो वो पार्किंग निःशुल्क है, वहाँ पर शुल्क भी लिया जाता है? नहीं, जो रेल कर्मचारियों के लिए पार्किंग बनाई गई है माल गोदाम के पास, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वो निशुल्क पार्किंग है फॉर रेलवे स्टाफ ओनली। सर वहाँ पे अवैध गाड़ी जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर भी खड़े, उनसे पार्किंग शुल्क लिया जाता है? ये हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर इस तरीके की कोई बात है तो इन्हीं सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए ही ये प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।